तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, तमाम मीडिया फैक्टिविटी के बड़े शर्म की बात है कि डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के साथ आज जो है बदतमीजी की गई है। हमें मजबूर होकर आज सड़कों पर उतरना पड़ा है क्योंकि हर बार जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की जाती है, जर्नलिस्ट को मारा जाता है और हम लोग जो अपनी जानों पर खेल के रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों तक सच पहुंचाते हैं और सच पहुंचाने का खमियाजा आज एक जर्नलिस्ट को ये मिला है कि जर्नलिस्टों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उन्हें धमकियाँ तक भी दी जा रही है। तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोटेस्ट हमने आज किया है हमारे एक जर्नलिस्ट भाई को यहाँ पे थाना मंडी के अंदर में उसको एसडीएम और तहसीलदार के सामने मारा गया और ये हरकत जो है ये धर्मराय कंस्ट्रक्शन के गुंडों ने की है और ये कभी भी हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया हम इसी तरह से सड़कों पर बैठे हैं। हमारा एक साथी अंजाम दे रहा था उसी का और उसी दौरान उस पर कुछ लोगों की तरफ से हमला किया गया, मगर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमला उस वक्त किया गया जब एसटीएम भी वहीं मौके पर मौजूद थे और तहसीलदार थाना मंडी भी वहीं मौजूद थे और ऐसे में उस पर हमला किया गया जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले हम ये सुनते थे कि बाहर साफियों पर हमले होते हैं मगर अब राजौरी जैसी सिटी पर भी साफियों पर हमले होना शुरू हो गए हैं जो काफी तशवीश की बात है और जब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम सड़कों पर बैठे रहेंगे। शर्म की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए एसडीएम तहसीलदार और मकामी पुलिस के होते हुए एक जर्नलिस्ट के साथ मिसबिहेव नहीं उसको थप्पड़ मारा गया। ये जमहूरियत के नाम ये जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पर तमाचा है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मुंह पर तमाचा है। वो जर्नलिस्ट जो लोग जो है लोगों के मसाइल लोगों के कवर करने के लिए उनके हाथ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए अगर वो निकलते हैं अगर उनके साथ ये होता है तो ये शर्म का मुकाम है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुकामी इंतजामिया के लिए। हम कहते हैं कि अगर इस बंदे के खिलाफ अगर इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा प्रोटेस्ट जो है ये जारी रहेगा और यहाँ तक नहीं ये पूंछ में जम्मू में और पूरे जम्मू कश्मीर में हम कहेंगे कि इस किस्म का जो है प्रोटेस्ट जो शुरू हो जाएंगे। इसलिए मकामी इंतजामिया को चाहिए कि इस गुंडा अनासर और इस कंपनी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, तमाम मीडिया फैक्टिविटी जिसमें एक चैनल आ रहे हैं।